बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ जी हैरो ऑफिस से होंगे। तो मिशन ग्रिल के बाद आज हमारा जो मिशन है वो ये है जी, यहाँ पे हमने एक छोटी सी गैलरी बनानी है। तो मैंने सोचा अगर ग्रिल हमने आप लोगों के साथ शेयर की है तो क्यों ना अपनी गैलरी भी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो फिर हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि बिल्कुल आसान तरीके के साथ ग्रिल अपने गैलरी कैसे बन सकती है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर सकते हैं और कम खर्चे में। जितने भी पैसे लगेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा और कितना टाइम लगेगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आमी रेडी ब्लॉग के साथ। और बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह आपको सीखने को मिलेगा आज की वीडियो में। तो ये है जी हमारे पास, ये डीपी के ऊपर ऊपर वाली जगह जो है वो हमारे पास फ्री है। इसको हमने गैलरी के तौर पे, स्टोर के तौर पे हमने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम इंशाल्लाह बनाएंगे गैलरी और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कितनी आसानी के साथ और कितनी अच्छी गैलरी हम यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास अपने औजार मौजूद होने चाहिए क्योंकि औजारों के बगैर जो है बंदा अधूरा होता है। तो औजार होंगे तो आपका काम बड़ी आसानी के साथ औजार कंप्लीट होने चाहिए और आप लोगों को थोड़ी सी स्किल्स का पता होना चाहिए कि ये जगह है इसको इस तरह से हम कवर करेंगे और आसानी के साथ हमारा ये काम हो जाएगा। तो आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्किल्स जो हैं वो सिखाने वाला हूँ। चाय पीने की भी मज़ेदार, लेकिन आज ये चाय नहीं है, आज ये कावा है, इसलिए तो मैंने ये नहीं बोला एक कप चाय। आए हाय दरमियान से डिस्कोर लगाइए, ठीक हो गया। दरमियान वाले स्कोर के मुताबिक इसके साथ हमें इसको मैच करना है। लेवल करके निशान लगा दिया, ठीक हो गया। तो सबसे पहले जी जिधर हमने अपनी गैलरी का लेवल रखना है और छत से हम, क्योंकि हमारी छत जो है वो लेवल पे है, तो गुनिया करके हम उस पर निशान लगा लेंगे जहाँ तक हमने लेवल रखना है। तो पहले निशान लगाएंगे, उसके बाद मार्किंग करने के बाद हम अपना पट्टी या एंगल जो है वो वेल्ड कर लेंगे साथ। तो ये हमारी मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो गई।
तो जी ये पीस हमारा लग गया बड़ी मजबूती के साथ, और अब हमने ये मार्किंग कर दी और ये मैंने साफ कर दी है। अब इसमें हम एक एंगल लगाएंगे, एंगल को सरियों के ऊपर बिठा देंगे और हमारी गैलरी जो है इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। अब हम एंगल को तैयार करते हैं। एक कप चाय, आए हाय आए हाय। इसके बाद आपको पता कौन सा प्रोजेक्ट मैं तैयार कर रहा हूँ? इसके बाद मैंने ये तैयार करनी है, ये ज़ुल्फ़िकार तैयार करनी है मैंने, हज़रत अली की तलवार का, ये मैंने उनकी तलवार की शबीह बनानी है, और ये मैं अबू जान को गिफ्ट करूँगा इंशाल्लाह। ये भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, फिर अबू जान का रिएक्शन देखेंगे। ये हमारे पास ये एंगल का पीस ये छोटा था, अब हमने ये वेल्ड कर लिया और इसको पूरा पूरा रख के काट लिया। अब भाई जी इसको यहाँ पर फिट करने दी, अब आपका भाई इधर फिट करेगा इसको। ये ऐसे और ये हमारी जो है गैलरी रेडी है, बस इसको अब टांगे लगाने हैं हमने, वेल्ड करना है और उसके बाद इसके ऊपर शीट रख देनी है, और ये रही जी हमारी गैलरी। जी ये हमारी शीट आ गई है, ये शीट आ गई जी हमारी शेल्फ के लिए, ये शीट है, और अब हमारा काम जो है वो बिल्कुल रेडी और फाइनल हो चुका है। सिर्फ इसको ऊपर रखना है और हमारी जो गैलरी है वो रेडी है। ले जी प्यारे दोस्तों, हमारी गैलरी, हमारा स्टोर या हमारा बर्थ जो है वो बिल्कुल रेडी है, और इस पर हमने तकरीबन इस वक्त मेरा वेट है जी 92 kg, और कितने वेट के साथ इसके ऊपर बैठा हूँ और इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इसके ऊपर हम जो भी रखना चाहें, स्टोर करना चाहें, कर सकते हैं। और ये कोई जी तो पहले दोस्तों ये कैसा लगा मेरा आपको सरप्राइज? ऊपर वाली गैलरी की मैंने वीडियो बनाई है बनाते हुए, और नीचे वाली मैंने ऐसे ही बना दी है, और इसकी वीडियो नहीं मैंने बनाई ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि ऊपर के ऊपर तकरीबन लगा जी आधा दिन और आधा दिन नीचे लगा, और ये दोनों गैलरियाँ जो है वो तैयार हो चुकी हैं, और बहुत ही सस्ते में ये दोनों गैलरियाँ तैयार हुई हैं। सिर्फ हमारे पास जो है वो औजार कंप्लीट होने चाहिए, हमारे पास वेल्डिंग प्लांट अपना पड़ा हुआ था, अगर ना भी हो तो रेंट पे भी आजकल मिल जाता है, तो थोड़ी सी मेहनत करने के बाद हमने ये माशाल्लाह घर वालों को खुश कर दिया जी। तो आप भी अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो होगी वो आप तक बरबकत पहुंच सकेगी। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।